हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्लासिफिकेशन ऑफ कोल के बारे में पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर रैंक, मीन्स रैंक के हिसाब से कोल को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, जिसमें से सबसे पहले था वुड जो कि द पेरेंट मटेरियल, उसके बाद था पीट, फिर लिग्नाइट, फिर बिटमिनस कोल एंड द लास्ट वन एंड द वेरी गुड क्वालिटी ऑफ कोल दैट इज एंथ्रेसाइट। फिर हमने कहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे पल्वराइजेशन ऑफ कोल के बारे में। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं कि पल्वराइज्ड कोल होता क्यों है और पल्वराइजेशन हम क्यों करते हैं किसी भी फ्यूल का। सो लेट्स स्टार्ट। सो हम अपने अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल देखें तो जितने भी हमारे पास सॉलिड फ्यूल होते हैं, जैसे कि हम बात करें कोल की, तो उनको जो हम जलाते हैं तो वो थोड़ा समय लेते हैं आग पकड़ने में एज़ कम्पेयर टू अदर, यानी कि अगर हम बात करें उनका जो रेट ऑफ कम्बशन होता है वो थोड़ा स्लो या थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर टाइप्स ऑफ फ्यूल। अगर हम एग्जांपल के तौर पे समझें तो जैसे कि हम अगर लिक्विड फ्यूल लें जैसे कि होता है पेट्रोल या डीजल, तो अगर इसको हम थोड़ी सी भी आग दें तो तुरंत आग पकड़ते हैं। लेकिन वही अगर हम कोल लें जो कि एक सॉलिड फ्यूल है, उसको आग पकड़ने में कुछ समय या फिर कुछ थोड़ा देर लगती है। सो जो उसका कम्बशन रेट है जो सॉलिड फ्यूल का, वो जनरली थोड़ा कम होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कैटेगरी ऑफ फ्यूल्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉलिड फ्यूल है उसमें जो कॉन्टैक्ट होता है फ्यूल का और ऑक्सीजन के बीच में वो थोड़ा कम होता है या फिर अच्छे से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है, और ऑक्सीजन की कमी के कारण थोड़ा बहुत वो थोड़ा कम आग पकड़ता है या फिर उसका कम्बशन का रेट थोड़ा स्लो होता है। अब इस कम्बशन के रेट को बढ़ाने के लिए हम कुछ मेथड्स परफॉर्म करते हैं जिससे कि उसका कम्बशन का रेट इंक्रीज कर जाए और फिर हमें वो अच्छा फ्यूल बन जाए। उसके लिए सबसे पहले तो एक मेथड होता है कि हम जो ऑक्सीजन का जो सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर दें, मीन्स अगर हम ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज़ कर देंगे तो ऑफकोर्स ये बात है ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी तो कम्बशन ज़्यादा होगा, क्योंकि कम्बशन होने के लिए ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला तो मेथड ये है कि हम ऑक्सीजन का सप्लाई इंक्रीज़ कर दें। दूसरा मेथड हमारे पास ये है कि हम उसको पल्वराइज्ड कर दें। पल्वराइजेशन का मतलब होता है कि उस फ्यूल को हम पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, उसका पाउडर बना दें, जिसकी वजह से हमारा जो कम्बशन का रेट इंक्रीज़ कर जाएगा। अब पल्वराइजेशन से क्या होता है, मीन्स पल्वराइजेशन से क्यों कम्बशन का रेट इंक्रीज़ होगा, तो जब हम कोल को या फिर किसी भी सॉलिड फ्यूल को पल्वराइज करते हैं, यानी कि जब हम उसका पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, तो जो उसका सरफेस एरिया है वो इंक्रीज़ कर जाता है। ऑफकोर्स ये बात है कोई भी चीज़ सॉलिड फॉर्म में है तो उसका जो सरफेस एरिया है या कि हम बात करें जो उसका एरिया है जितने में वो है वो थोड़ा कम होगा, लेकिन वहीं अगर उसको पाउडर के फॉर्म में कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ कर जाएगा। और सरफेस एरिया इंक्रीज़ करने के कारण जो फ्यूल है वो एयर के कॉन्टैक्ट में या हम कहें ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में ईजिली आ जाता है, और जब ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में या एयर के कॉन्टैक्ट में ईजिली आ जाएगा तो फिर ऑफकोर्स ये बात है जब उसको एयर बहुत अच्छी तरह से मिलेगी तो कम्बशन भी बहुत अच्छे रेट से होगा। सो बेसिकली पल्वराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी फ्यूल को, किसी भी सॉलिड फ्यूल को पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, जिससे कि उसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाए, और इंक्रीज करने से उसकी जो एयर सप्लाई है या फिर वो एयर के कॉन्टैक्ट में ईजिली आ सकता है, जिसकी वजह से उसका कम्बशन इंक्रीज कर जाता है। फिर उसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं पल्वराइजेशन ऑफ कोल के, धीरे धीरे हम उसके एडवांटेजेस की डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहला एडवांटेज है कि जब हम किसी भी कोल को या फिर किसी भी फ्यूल को पल्वराइजेशन का प्रोसेस देते हैं तो जो उसका जो रेट ऑफ कम्बशन है उसको हम ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं, और ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं बाय कंट्रोलिंग द क्वांटिटी ऑफ कोल पाउडर, यानी कि जितना कोल हम देंगे ऑफकोर्स ये बात है उतना ही कम्बशन वो शो करेगा। सो किस हिसाब से उसको कम्बशन करना है या फिर कितनी क्वांटिटी में करना है वो हम ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो ये है कि जो पल्वराइज्ड कोल होता है उसको हम कभी भी जब चाहे उसको स्टार्ट कर सकते हैं, जब चाहे उसको स्टॉप कर सकते हैं, यानी कि अकॉर्डिंग टू अवर नीड हम उसको जब चाहे हम उसको कम्बशन दे सकते हैं, जब चाहे उसको कम्बशन को स्टॉप कर सकते हैं, और कैसा कम्बशन होगा उसके रेट का कम्बशन, मीन्स कम्बशन का जो रेट बेसिकली कम कम्बशन ज़्यादा कम्बशन उसको भी हम ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं। सो ये दो एडवांटेजेस हुए पल्वराइजेशन ऑफ कोल के। थर्ड एडवांटेज अगर हम बात करें तो थर्ड एडवांटेज होता है कि जो पल्वराइज्ड कोल की जो फ्लेम होती है वो
बहुत लार्ज होती है, द फ्लेम प्रोड्यूस्ड इज लार्ज, और जो टेम्परेचर होता है उसके कम्बशन में वो यूनिफॉर्म होता है. यूनिफॉर्म मतलब कि इक्वल टेम्परेचर होता है, ऐसा नहीं कि कभी बहुत ज़्यादा आग हो जाए, कभी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाए, कभी बिल्कुल ही टेम्परेचर लो हो, ऐसा नहीं होता है. फ्लेम जो होती है वो लार्ज होती है और उसका टेम्परेचर भी यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक टाइम में इक्वल टेम्परेचर वो शो करता है. नेक्स्ट एडवांटेज है कि नो क्लिंकर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, यानी कि किसी भी प्रकार का क्लिंकर की फॉर्मेशन नहीं होती है, जिसकी वजह से ये गुड कैटेगरी ऑफ फ्यूल में आ जाता है. फिर उसके बाद लास्ट एडवांटेज हम कंसिडर कर सकते हैं लाइक लेबर चार्जेस फॉर ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग एक्सेट्रा आर लो, यानी कि इसको जब कोई भी फ्यूल पल्वराइज कर देते हैं इसको ट्रांसपोर्टेशन में या उसको हैंडल करने में आसानी होती है और लेबर चार्ज भी कम होता है. तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं पल्वराइजेशन ऑफ कोल के. कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी हम देखने को मिलता है इसमें, जैसे कि पल्वराइजेशन में एक एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, किसी भी कोल को पल्वराइज करने में एक एक्स्ट्रा कॉस्ट हमको पे करनी पड़ती है. सो ये भी कुछ एक डिसएडवांटेजेस हैं. बाकी पल्वराइजेशन ऑफ कोल से हम उसके कम्बशन के रेट को इंक्रीज़ कर सकते हैं. ये बहुत ही शॉर्ट सा टॉपिक था या कॉन्सेप्ट था कि पल्वराइजेशन ऑफ कोल क्या होता है. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनालिसिस ऑफ कोल, यानी कि कोल को एनालिसिस कैसे करते हैं. दो टाइप्स के मेथड होते हैं, एक होता है कि प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, दूसरा होता है अल्टीमेट एनालिसिस. सो इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में.